सीमा हैदर की भारत में एंट्री को लेकर अब सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। प्यार के नाम पर सीमा पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में अवैध तरीके से घुसने की बात कबूल कर रही हैं। सीमा ने यह भी बताया कि उसका भाई पाकिस्तान आर्मी में है। सीमा हैदर फिलहाल ग्रेटर नोएडा में सचिन के साथ रह रही है। वो अब पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, लेकिन उसके भारत आने पर अब शक बढ़ता जा रहा है। इस बीच सीमा हैदर को लेकर उनके ही मुल्क यानी पाकिस्तान के एक यूट्यूबर शोएब मलिक ने सवाल उठाया है, जिसका सोशल मीडिया पर उन्हें जवाब भी मिल रहा है। यूट्यूबर का कहना है कि सीमा हैदर पाकिस्तान की भारत में एजेंट हो सकती है, जिसके जवाब में एक भारतीय कश्मीरी युवती कहती है कि सीमा हैदर ने जो कदम उठाए हैं वह बेहद ही बोल्ड हैं। सीमा हैदर की बातें इस बात की पुख्ता सबूत हैं कि पाकिस्तान में महिलाओं की हालत बेहद ही खराब है। भारतीय युवती आगे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि सीमा सचिन को धोखा दे देगी। पाकिस्तान से तमाम मुसीबतों को झेलते हुए भारत आना और यहां आकर अपना धर्म बदलना एक मुस्लिम महिला के लिए आसान काम नहीं है। सीमा ने वाकई अपने प्यार के लिए बहादुरी का काम किया है। सीमा ने अब तक जो किया है वह दर्शाता है कि प्यार उनके लिए क्या मायने रखता है। पाकिस्तानी यूट्यूबर ने अपनी शंकाओं को आगे जताते हुए कहा कि इस तरह तो नया ट्रेंड सेट हो जाएगा, कभी कोई पाकिस्तानी लड़की इंडिया भाग कर जाएगी और कभी कोई भारतीय पाकिस्तान आएगी। इस सवाल के जवाब में भारतीय युवती कहती है कि आप निश्चिंत रहें, भारत से कोई लड़की भागकर पाकिस्तान नहीं जाएगी। इंडिया को पाकिस्तान से कभी प्यार नहीं होगा। अगर इस ट्रेंड को पाकिस्तान रोकना चाहता है, पाकिस्तान चाहता है कि भविष्य में कोई सीमा हैदर भारत ना आए, तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपने देश की महिलाओं को उनका हक दे, उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। आपको बता दें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीमा को ISI एजेंट भी मान रहे हैं। सीमा हैदर के पास कई पासपोर्ट मिले हैं, ऐसे में उनको लेकर कई तरह के संदेह पैदा होते हैं। यही वजह है कि सीमा हैदर जांच एजेंसियों की रडार पर है। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर उन्हें अपने प्यार के लिए भी भारत आना था तो गैर कानूनी तरीका क्यों अपनाया।